हुए हैं गिरिडीह हजय गिरिडीह के LIC शाखा में। यहाँ के कर्मचारियों का जो वार्षिक काम बैठक है, उस वार्षिक काम बैठक में हम लोग LIC के बारे में, कामकाज के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्यतः जो भारत सरकार की जो LIC के विरोध में जो नीतियाँ चल रही हैं, LIC को बर्बाद करने की जो कारगुजारियाँ चल रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में LIC का जो IPO आया, इस IPO के द्वारा LIC को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है, इसके विरोध में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम इस बैठक के माध्यम से देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि LIC के IPO के द्वारा जो LIC को बदनाम करने की साजिश चल रही है वो गलत है, और कहीं से भी LIC जो है वो सशक्त है और देश की जनता की पैसा इसमें सुरक्षित है। और जहां तक है LIC का शेयर बाजार में, इसका शेयर का गिरता हुआ मूल्य वो किसी तात्कालिक कारण पर नहीं है, न कि LIC के परफॉर्मेंस के आधार पर है। अगर हम पिछले 2 महीने का परफॉर्मेंस देखें LIC का, तो LIC का परफॉर्मेंस जो है वो पिछले 2 महीना में इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस लेवल है उससे भी ज़्यादा है। हमारा ग्रोथ रेट NOP में 99.63% है और FPI में जो है वो 74% है। इसलिए जो है LIC का शेयर का गिरता हुआ मूल्य कहीं से भी LIC के सेहत के हिसाब से को प्रतिकूल नहीं करता है, बल्कि जो है ये शेयर बाजार के सटोरिए के कारस्तानी को दिखलाता है। अतः जो है हम सरकार के इस विरोध, इस कारस्तानी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बैठक है इसमें हमारी जो चर्चा है वो सीधी लड़ाई भारत सरकार से है, जो भारत सरकार LIC को निजी हाथों में देने की साजिश रच रही है। जो LIC इस देश का आर्थिक मजबूती का पहिया है, इस देश में रोजगार बढ़ाने का साधन है, 12 लाख एजेंट LIC में काम करते हैं, 40 करोड़ बीमा धारक हैं और 28 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया भारत सरकार को दिया है। इस कामधेनु को IPO ला के 3.5% शेयर बाजार में बेच के भारत सरकार LIC के खिलाफ साजिश कर रही है। यह LIC के खिलाफ साजिश नहीं है, यह इस देश के गरीबों के बचत को लूटने की साजिश है, क्योंकि सरकार की नीति घोषित है। पैटर्न को समझना है कि सिर्फ 2-3 आदमी को पूरे देश की दौलत दे देना है, बाकी लोग भुखमरी में जाए, बेरोजगारी में जाए, महंगाई में जाए, एक मुद्दा हो तो चर्चा की जाए। लेकिन देश सबसे निचले स्तर पर है, गरीबी, भुखमरी, इलाज का अभाव, शिक्षा का अभाव, हर चीज़ निजी हाथों में और आदमी के हाथ से, थाली से दाल, प्याज, रोटियां निकलते जा रही हैं। और ऐसे में LIC जहां गरीब लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, यह देश का सपना है और लंबे समय से भारत के गरीबों के कल्याण में भारतीय जीवन बीमा निगम नंबर 1 भूमिका निभाता आया है और यह देश के लोगों के साथ है, इसे हम निजी कॉरपोरेट हाथों में जाने नहीं देना चाहते हैं। आज की मीटिंग में भारत सरकार के निजीकरण की नीतियों का, LIC में IPO लाने का और महंगाई बढ़ाने का और अदानी अम्बानी के हाथ में देश को देने का, हवाई अड्डा बेचने का, सड़कों को बेचने का, खान को बेचने का, नदियों को बेचने की जो साजिश है, इसके खिलाफ इस मीटिंग में चर्चा होगी। और LIC भारत के लोगों के साथ है और भारत सरकार अगर कॉरपोरेट दलाली में लगी रहेगी तो हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के की अदालत में इस बात का फैसला होगा कि LIC देश के लिए काम करेगा कि कॉरपोरेट के लिए काम करेगा। यही लड़ाई है साथियों, लड़ाई सीधी है कि जुमला चलेगा कि बेरोजगारों को जॉब मिलेगा, LIC में लोगों का पैसा सुरक्षित रखने की लड़ाई है साथियों। और हम लोग LIC को, बैंक को, पब्लिक सेक्टर को, शिक्षा को, हर चीज़ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और यहाँ से हम लोग इस देश के गरीबों के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, बेरोजगारों के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। और हम आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे डिवीजनल के कई पदाधिकारी अतिथि के रूप में आए हुए हैं और इस बैठक में जो 2 अहम मुद्दे पर चर्चा किया जा रहा है, पहला जो केंद्र सरकार की विनिवेशीकरण नीति है जिसके तहत देश के तमाम प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग का डिस्कशन है और हम लोग इस पर निर्णय लेंगे कि हमारा इस अब इसमें डिस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हमारा क्या एक्शन होगा। दूसरा जो इशूज है कि LIC 1956 से अब तक इस देश की सबसे सुदृढ़ वित्तीय संस्था है और ऐसे वित्तीय संस्था का भी केंद्र सरकार ने IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किया है और हम इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिस संस्था पर पूरे देश का विश्वास
डिपेंड करता है, विश्वास निर्भर करता है, यहाँ की जनता हम पर विश्वास करती है और इस संस्था का पैसा इस देश के विकास में लगता है। अगर ऐसी संस्था का विनिवेशीकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से ये बीमा धारकों और देश दोनों के हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज की बैठक हमारी चल रही है।